तो आइए अब सुनिए अगला कार्यक्रम। साहसी रूपा। पाठशाला में एक नई लड़की ने प्रवेश लिया। अध्यापिका जी ने कक्षा से उसका परिचय कराया। यह रूपा है, यह इसी कक्षा में पढ़ेगी। फिर वे रूपा से बोली, रूपा, तुम्हारी सहपाठी ने तुम्हें बता देंगी कि वे कौन-कौन से पाठ पढ़ चुकी हैं। कोई कठिनाई होने पर वे तुम्हारी सहायता करेंगी। रूपा बहुत सुंदर थी। वह बोलती बहुत कम थी। उसकी सहपाठी ने उससे मित्रता करना चाहती थी, परंतु वह उनसे दूर-दूर ही रहती। लड़कियों ने भी 2-3 दिन तो उससे बात करने की कोशिश की, फिर अपनी-अपनी सहेलियों में मस्त हो गईं। उन्हें लगा कि रूपा बहुत घमंडी लड़की है। वह किसी से बात करना पसंद नहीं करती। एक दिन पाठशाला में पिकनिक का कार्यक्रम बना। सबने सोचा रूपा नहीं जाएगी, परंतु पिकनिक के दिन रूपा ही सबसे पहले विद्यालय के फाटक पर खड़ी थी। पिकनिक का स्थान था एक छोटी सी झील का किनारा। ऊंचे-ऊंचे वृक्षों से घिरा यह स्थान पिकनिक के लिए बहुत अच्छा था। झील के चारों ओर फूलों की क्यारियां थीं। जंगली फूलों की भी कोई कमी न थी। पहाड़ी प्रांत होने के कारण ऊंची नीची भूमि पर खिले रंग-बिरंगे फूल और लताएं झील की शोभा और भी बढ़ा रही थीं। लड़कियों के वहां पहुंचते ही उनकी हंसी और ठहाकों से वातावरण गूंजने लगा। सभी इधर-उधर दौड़कर अपने लिए अच्छे से अच्छा स्थान खोजने लगी। अध्यापिका जी ने एक सुंदर जगह देखकर दरियां बिछवा दी। कुछ लड़कियां वहीं बैठकर हंसी मजाक करने लगी। कुछ इधर-उधर घूमकर प्रकृति की शोभा का आनंद लेने लगी। रूपा आज भी अकेली थी। वह अपनी सहपाठिनों से अलग घूम रही थी। वह सुंदर-सुंदर फूलों को देखती, उनकी ओर हाथ बढ़ाती, पर बढ़ा हुआ हाथ फूलों को सहलाकर पीछे आ जाता। वह फूलों की क्यारियों से होती हुई लताओं के पास जाकर बैठ गई। रूपा उस स्थान के सौंदर्य की प्रशंसा मन ही मन कर रही थी। अचानक धप की आवाज हुई और एक चीख गूंज गई। रूपा उठकर तेजी से आवाज की ओर दौड़ी। झील के एक किनारे पर उसे सफेद कपड़ा सा दिखाई दिया। वह उधर ही दौड़ने लगी। पास पहुंचते ही उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई पड़ी। उसने देखा कि उसकी सहपाठिन शांति झील में गिर पड़ी है। वास्तव में झील के उस स्थान पर पानी कम और कीचड़ अधिक था। एक तरह से झील का वह भाग दलदल बना हुआ था और लोग उस तरफ बहुत कम जाते थे। रूपा ने जोर से आवाज लगाई, बचाओ बचाओ। उसने शांति से कहा, तुम धैर्यपूर्वक खड़ी रहो, अभी मैं किसी को बुला लाती हूं। परंतु शांति हाथ पांव पटक रही थी और कीचड़ में और भी धंसती जा रही थी। रूपा ने एक क्षण कुछ सोचा और अपने थैले में से फल काटने का चाकू लेकर पास की लता को जल्दी-जल्दी काटने लगी। जैसे ही लता कटी, उसने उसे जोर से शांति की ओर फेंका और चिल्लाई, इसे पकड़ लो शांति, इसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ लो। शांति ने लता पकड़ ली और कीचड़ में पांव मारने लगी। रूपा ने कहा, इसे पकड़े रहो, पांव मत मारो, मैं तुम्हें धीरे-धीरे अपनी तरफ खींचूंगी। रूपा लता को अपनी ओर खींचने लगी। उसके हाथ जगह-जगह से कट रहे थे।
उसका कुर्ता भी फट गया था, परंतु उसने किसी बात की परवाह न की। शांति को बाहर लाना कोई आसान काम न था, पर रूपा ने हिम्मत न हारी और धीरे धीरे उसे खींचती रही। शांति को भी अब अपने बचने की आशा हो गई। वह धैर्य से लता को पकड़े रही और आगे आगे खिसकती गई। बीच बीच में रूपा बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही। लोगों ने बचाओ बचाओ की आवाज सुनी तो वे उधर दौड़े। रूपा बहुत थक चुकी थी, उसके शरीर से पसीना बह रहा था, उसका मुंह लाल हो रहा था, पर वह लता को खींचे जा रही थी। उसी समय अध्यापिका जी तथा झील का एक चौकीदार वहां पहुंच गए। उन्होंने रूपा के हाथों से लता ले ली और शांति को खींचने लगे। शांति कीचड़ से निकल आई और घिसटती हुई सूखी जमीन पर आ पड़ी। रूपा बेहोश हो गई थी। इतने में अन्य लड़कियां भी वहां पहुंच गईं। रूपा के मुंह पर पानी के छींटे मारे गए, वह होश में आ गई। शांति का शरीर कीचड़ से लथपथ था, उसे भी कई खरोंचे लगी थी, पर वह होश में थी। शांति सबको पूरी बात बता रही थी और सभी लड़कियां रूपा को प्रशंसा भरी दृष्टि से देख रही थीं। अध्यापिका जी ने रूपा की पीठ थपथपाई और शांति ने उसको धन्यवाद देते हुए कहा, आज तुम ना होती तो मैं अपने प्राणों से हाथ धो बैठती। हम तुम्हें अभिमानी समझती थी, पर तुम तो सच्ची मित्र निकली। रूपा ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे किसी से बात करते संकोच होता है। तभी एक लड़की बोल उठी, हाँ अब हम तुम्हें अभिमानी नहीं शर्मीली कहा करेंगी। सभी लड़कियां ठहाका मारकर हंसने लगी और वातावरण में फिर से प्रसन्नता छा गई। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन और दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा कार्यक्रम निर्देशक प्रभुदयाल खट्टर। बाल प्रभा, ये श्रृंखला राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित और प्रस्तुत की गई। Thank you.